न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। एक बार फिर से अलग अलग केंद्रों पर जिला हॉस्पिटल की ओर से पार्षद मंसूर बदर के प्रयासों से सैकड़ों लोगों ने कोरोना वैक्सीनेशन लगाया। पार्षद मंसूर बदर ने बताया कि प्राथमिक पाठशाला खाकरोबान जमुना दास आर्य कन्ना कन्या इंटर कॉलेज दरगाह शाहनूर साहब के अहाते में चल रहे प्राथमिक स्कूल में मोहल्ला परिपीरजी में हाजी यूसुफ की बैठक में सैकड़ों लोगों ने कोरोना वैक्सीनेशन की पहली डोज ली। मंसूर ने बताया कि सितंबर माह में उनके वार्ड में विशेष अभियान में लगभग 5000 लोगों ने टीकाकरण करवाया था, जिनकी दूसरी डोज 84 दिन बाद दिसंबर माह में लगेगी। परंतु इन चार कैंप में भी बचे सैकड़ों लोगों ने टीकाकरण करवाया, जिसके लिए इलाके के लोग साधुवाद के पात्र हैं। पार्षद मंसूर ने इलाके की मस्जिदों धर्मस्थलों से लाउडस्पीकरों से लोगों को जागरूक किया और नुक्कड़ मीटिंग लेकर लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। मंसूर बदर ने बताया कि कल से राशन डिपो डीलरों को यहाँ भी कोरोना वैक्सीनेशन होगा, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ लें। इस मौके पर प्रगति, मोनिका, वंदना, पूजा शर्मा, नजमा जिला हॉस्पिटल से और संदीपा, अल्पना सैनी, रिहाना, लक्ष्मी, फरजाना, शवीना, सुरेखा, दीपा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और मोहल्ला के हाजी यूसुफ, हाजी रियाज, मुखिया रशीद चौधरी, मेहरबान चौधरी, शरीफ चौधरी, शकील चौधरी, असलम चौधरी, हनीफ बहार, जुबैरी नैयर, जुबैरी हादी, जुबैरी फहीम, जुबैरी चौधरी, नानू सोनू, जेदी पप्पू भाई, बिलाल अंसारी, इमरान अंसारी, नेता असलूब, सुहेल अब्दुल गफ्फार, खलीक मामू, नासिर खान, मसरूर बदर, मारूफ बदर मौजूद रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।